फैशन के कुछ बेसिक रूल्स जो आपको बनाएं कॉन्फिडेंट और बेहतर, आइए जानते हैं। नंबर एक, फैशनेबल नज़र आने में कोई बुराई नहीं है। आप जितना चाहें उतना ट्रेंड को फॉलो करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसके साथ कंफर्ट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करेंगी, तब तक आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं नज़र आएगी। इसलिए बात चाहे ड्रेसिंग की हो या फुटवेयर की, कंफर्ट को सबसे ऊपर रखें। नंबर दो, महिलाएं बिना आदमकद आईने में खुद को देखे चल पड़ती हैं। जब भी आप तैयार हों, उसे एक बार खुद को ज़रूर देखना चाहिए कि जो पहना गया है वो कपड़ा आप पर फब रहा है या नहीं। नंबर तीन, जो इस वक्त चलन में है उसे जस का तस अपना लेना गलत है। मौजूदा फैशन के कपड़े ठीक लग रहे हैं या नहीं, इसकी परवाह करे बिना फैशन के दरिया में कूद पड़ना सही नहीं है। नंबर चार, आपकी पीठ भी बहुत कुछ कहती है। पीछे से भी कुछ कपड़े बहुत भद्दे और ख़राब लगते हैं। बहुत चुस्त कपड़े पहनकर यदि शरीर की बनावट ख़राब लगती है तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर पाँच, रंगों के चयन में बहुत सी लड़कियां गड़बड़ा जाती हैं। जो रंग या रंगों के शेड्स खिलते हैं उन्हें याद रखिए और उसके आसपास के रंगों को तरजीह दीजिए। नंबर छः, मेकअप सबसे ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन यदि 24 घंटे गहरे मेकअप में रहेंगी तो जिस दिन कुछ खास होगा अलग ही नहीं दिख पाएंगी। नंबर सात, ओवरऑल मैचिंग यानी सबसे बोरियत भरा स्टाइल। सब कुछ एक रंग का हो तो खुद सोचकर देखिए कैसा लगेगा। रंग संयोजन समझिए और उसके अनुसार इयररिंग्स और सैंडल पहनिए। नंबर आठ, सही रंग संयोजन का मतलब है गहरे और हल्के रंगों को ठीक से समझ पाना। नीले के साथ भूरा रंग पहनने की गलती ना करें। नंबर नौ, किसी भी पार्टी या कार्यक्रम में हाई हील्स उतार कर पैर को आराम देती लड़कियों पर आपकी भी नज़र गई होगी। भले ही फ्लैट पहनिए मगर आरामदायक पहनिए, ताकि दर्द से पैर सहलाने के बजाय आप कार्यक्रम का मज़ा और लोगों से मिलने का आनंद ले सकें। नंबर दस, अक्सर लोगों को लगता है कि ब्लैक कलर पहनने से उनका वज़न कम दिखेगा या ब्लैक कलर मैच्योर या सोफिस्टिकेटेड कलर है, लेकिन जब आप फुल ब्लैक कलर में होते हैं तो इससे लगता है कि आप खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं। इसलिए फुल ब्लैक कलर के बजाय साथ ही कुछ कलरफुल एक्सेसरीज ज़रूर पहनें। नंबर 11, हमेशा लंबी स्कर्ट पहनने से आपको ओल्डर लुक मिलता है। इससे ऐसा लगता है कि आप अपने पैरों की चर्बी को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए छोटी स्कर्ट पहनना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। नंबर 12, अगर आप गलत चश्मे का फ्रेम लगाते हैं तो आप चाहे जितने अच्छे कपड़े या जितना अच्छा मेकअप कर लें, आप बूढ़े ही नज़र आएंगे। नंबर 13, फुटवेयर आपके लुक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हमेशा ड्रेस के अनुसार फुटवेयर का चुनाव करें जो आपको सूट हो सके। डार्क और लाउड मेकअप आपके लुक को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ड्रेस के अनुसार ही मेकअप करें। नंबर 14, कई महिलाएं वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी बिंदी लगा लेती हैं जो दिखने में अजीब लगता है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न ड्रेस के साथ बिंदी लगाना अच्छा नहीं है, लेकिन कई बार हर ड्रेस पर बिंदी अच्छी नहीं लगती। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि बिंदी ऐसे ही ड्रेस पर लगाएं जो आपके लुक को कॉम्प्लीमेंट करे। नंबर 15, शिमरी ड्रेस का ट्रेंड जोरों पर है। बॉलीवुड सेलेब से लेकर आम महिलाओं तक में इसे पसंद किया जा रहा है। शिमरी ड्रेस पसंद है तो इसे पार्टीज़ वगैरह में ही पहने। दिन में शिमरी ड्रेस आंखों में चुभते हैं, इसलिए दिन में हैवी सितारे वाली ड्रेस पहनने की गलती ना करें। अगर शिमर सिर्फ नेक, कॉलर या कफ पर है तो इसे दिन में पहना जा सकता है। नंबर 16, कई लड़कियों को बूट इतने पसंद होते हैं कि वो बिना मौसम और सीजन देखे इसे पहनना पसंद करती हैं।
इस गलती की वजह से उनका मजाक उड़ सकता है, साथ ही पसीने की वजह से पैरों में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में अगर आप लेदर जैकेट पहन रही हैं तो भी ऐसा ना करें, इससे आपका मजाक उड़ाए जाने की आशंका तो है ही, साथ ही शरीर पे रेडनेस और रैशेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 17, कई लड़कियां या तो मोटापा छिपाने के लिए बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े पहन लेती हैं या बेहद तंग कपड़े। कई बार आप इस पर ध्यान ना दें, लेकिन ऐसी ड्रेसिंग की वजह से बार बार लोग आपको देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप असहज महसूस कर सकती हैं। नंबर 18, ब्लाउज़ या सूट से लेकर वेस्टर्न ड्रेस तक सभी को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो उनके शरीर की फिटिंग के हिसाब से हों। भले ही लेटेस्ट ट्रेंड में कोई ट्यूब ब्लाउज़ हो, लेकिन अगर वो ब्लाउज़ आपको फिट नहीं है तो उसे पहनना सही नहीं होगा। भले ही आप किसी भी साइज़ के कपड़े पहनती हों, लेकिन अगर वो आपके शरीर के हिसाब से फिट नहीं तो वो फैशन मिस्टेक ही कही जाएगी। नंबर 19, देखिए मेकअप की बात करें तो मेकअप की तरह तरह की वैरायटी सभी के पास होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ ही इस्तेमाल कर लिया जाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चेहरा एकदम नकली है। ज़रूरत से ज़्यादा आई शेडो, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लश, ज़रूरत से ज़्यादा फाउंडेशन आपके चेहरे की रौनक ख़त्म कर देता है और ये एक फैशन ब्लंडर हो जाता है। त्योहारों के समय मेकअप करते समय भी यही ध्यान रखें। डार्क और लाउड मेकअप आपके लुक को ख़राब कर सकते हैं, इससे हमेशा अपनी ड्रेस के अनुसार ही मेकअप करें। नंबर 20, त्योहारों का वक्त है और हैवी कपड़े ज्वेलरी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ भी एक लिमिट तो होनी चाहिए ना। गोल्ड साड़ी पर गोल्ड ज्वेलरी और हैवी मेकअप कैसा लगेगा ज़रा सोचिए। माना थोड़ा शो ऑफ ज़रूरी है, लेकिन त्योहारों के समय पूजा करने से पहले ज़रूरी नहीं कि अलमारी में रखा हर गहना पहन लिया जाए या फिर सबसे ज़्यादा चमक वाला कपड़ा ही लिया जाए। रोशनी का त्यौहार दिवाली आने वाली है और ऐसे में ज़रूरी नहीं कि सारी रोशनी हमारे लुक में ही दिखे। और नंबर 21, सबसे ज़रूरी बात, हमेशा आत्मविश्वास पहनना ना भूलिए। बस फैशन की सबसे बड़ी कुंजी यही है। तो ये थे कुछ बेसिक फैशन रूल्स जिन्हें आप भी अपना सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।